जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी फॉर कॉलिंग अस ओवर हियर। लाइक माय डॉटर, शी इज़ वर्किंग हियर इन बैंगलोर एंड वी आर फ्रॉम दिल्ली। तो व्हेन शी वाज शिफ्टिंग हियर, सो आई वाज प्रेइंग टू गुरु जी ओनली कि भाई उसको भी वहाँ पर गुरु जी का दरबार मिले, गुरु जी की संगत मिले, देयर शी कैन गो रेगुलरली ओवर देयर एंड सो वॉट गुरु जी हैज़ गिवन टू हर। सो आई एम सो थैंकफुल बिकॉज वेर एवर यू गो, एनी वे यू गो, इफ यू फाइंड गुरु जी की संगत, यू फील कि यू आर इन अ फैमिली। सो यू आर नॉट अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू आर विद इन द फैमिली एंड दिस फैमिली इज मोर लविंग एंड मोर केयर टेकर एंड यू फील सो गुड। सो सेम द फीलिंग आई एम हैविंग एंड आई एम थैंकिंग टू गुरु जी मेनी टाइम्स टुडे ऑल्सो कि सचमुच गुरु जी आपने बहुत कुछ दे दिया, इतना दिया है कि आई एम फीलिंग सो ग्रेट, सो हैप्पी एंड माई डॉटर इज इन सेफ हैंड ओवर हियर। तो आई केम यस्टरडे ओनली टू मीट माई डॉटर और रस्ते में मैं यही बोलती आ रही थी गुरु जी मुझे भी सत्संग देना वहाँ पे, सो दिस इज हाउ आई गॉट। जब हम कल शाम को निकले तो देन देयर वॉज ऑल्सो वन मैसेज ऑफ आंटी बट वी कुड, फिर मैं सोची मैंने ओ हो ये तो मिस हो गया, बट टुडे शी गॉट एंड शी सेड मम्मा आज भी है। हमने कहा सम हाउ विल गो, जैसा भी होगा। सो अगेन थैंक यू गुरु जी। सो देर इज एवरी डे इफ आई से इज लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, वी हैव मैनी एक्सपीरियंसिस, एवरी वॉक ऑफ ए लाइफ यू फील it has happened just because of his blessing, otherwise it couldn't have been possible. So if I talk my journey, so I started by profession I'm a teacher. So 2006 ki agar main baat karti hu to I got some lump over here, just before above the forehead, it was a lump. So when this lump was there, I went to the doctor and I asked कि ये मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देन ही यू नो ही इमेजिन आई मीन एग्जामिन किया, सब कुछ पूछा, देन ही आस्क्ड मी कि आपको डू यू हैव एनी पेन ओवर हियर और एनी काइंड ऑफ ए सिकनेस, एनी वॉमिटिंग? आई सेड नो नथिंग, इट इज़ जस्ट अ लंप ओनली एंड आई डोंट फील एनीथिंग ओवर हियर। ही सेड द डे यू फील एनीथिंग इज कमिंग आउट, ऊजिंग आउट एंड इट्स ग्रोइंग अप, सो यू हैव टू इमिजिएटली कम अप टू मी। आई सेड ओके। सो दिस वॉज अ मैटर ऑफ 2006 एंड देन इन 2009 आई वॉज परसुइंग माई हायर स्टडीज, सो आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई कॉलेज। तो जब कॉलेज आ रही थी, मैंने आई कॉम माई हेयर, तो सडनली आई फेल्ट दैट थिंग हैज़ बीन ऊज्ड आउट एंड व्हेन आई कॉम सो सम ब्लीडिंग ऑल्सो स्टार्टेड, इट वॉज दिस, इट वॉज हेयर ओनली। तो व्हेन आई डिड दिस तो आई रिकॉल दैट डॉक्टर वर्ड्स कि अगर कुछ ऐसा हो तो इमिजिएटली यू हैव टू फॉलो अप। तो अब एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई वॉज हैविंग माई प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड दैट डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द फाइनल एग्जाम, आई कोंट मिस एनीथिंग। अब वही होता है बींग ए लेडी नेचर, आपको लगता है कि जाने से पहले ये भी कर जाओ, वो भी कर जाओ, वो भी कर जाओ। एंड आई न्यू दैट कि अब तो इसकी सर्जरी होगी, मुझे बॉल्ड करेंगे, नहीं हो पाएगा, मैं घर का ये भी देख जाऊँ, वो भी देख जाऊँ, वो भी देख जाऊँ, ऐसे करके चलो। देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि वेन आई कम बैक तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करके रखना एंड बिकॉज द डे इज सो इम्पॉर्टेंट टू गो, आई कॉन्ट मिस इट। तो मुझे जाना ही जाना, आई विल गो, आई रिक्वेस्ट माई प्रोफेसर टू टेक माई वाइवा वॉइस एंड आई विल कम बैक। सो दिस इज वॉट इट हैपन। तो वेन आई वॉज लिविंग माई हाउस, तो गुरु जी येल्लो चोला में थे, येल्लो चोला दिस, इस चोले के अंदर हमारे घर में गुरुजी हैं, सच ए बिग स्वरूप। और जाने से पहले मैंने एक मिनट गुरुजी से ये बात बोली, गुरुजी सिंस आई हैव जॉइंड आपकी संगत करने में जाने लगे हैं, आपके सत्संग में जाने लगे हैं, तो आई हर्ड मैनी सत्संग्स ऑफ कैंसर और ट्यूमर, और उसके अंदर मैं यही सुनती थी कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो मैं, आपने तो मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं, सो इफ आई एम हैविंग दैट एलमेंट तो आप देख लेना आपने क्या करना है, बस इतना मैंने बोला। एंड देन आई लेफ्ट द हाउस और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठी एंड देन आई वेंट फ्रॉम माय हाउस टू, आई हैव टू गो टू द महिपालपुर विच इज़ अ वेरी फार प्लेस फ्रॉम सरिता विहार। तो जब मैं जा रही थी सो ऑफकोर्स दैट गुरुजी की सीडी में शब्द वगैरह सब चल रहे थे एंड द थ्रू आउट द वे दैट द वे वॉज अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता, और उस रास्ते के अंदर आई डोंट नो वाई द टीयर्स वर रोलिंग डाउन
ऐसे बस निकलते, आई दो आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई टीयर्स बट इट वॉज रोलिंग डाउन, इट वॉज नॉट गेटिंग स्टॉप. सो अब मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी मुझे रोना क्यों आ रहा है, व्हाई आई एम क्राइंग व्हेन यू आर विद मी. चलो सम हाउ आई रीच देयर, आई रिक्वेस्टेड माई प्रोफेसर कि आप मेरा फटाफट लो जो भी आपने मुझे लेना है बिकॉज आई हैव टू शो टू द डॉक्टर. तो उन्होंने बोला हाँ 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 यस यू कम फर्स्ट, यू जस्ट अपीयर फॉर इट एंड यू रश. तो यू वोंट बिलीव, से सपोज 9 o'clock आई स्टार्टेड, बाय 9:30 आई वॉज एट माई प्लेस, दो इट वॉज एन ऑफिस आवर्स, और ऑफिस आवर्स में दिल्ली के अंदर ट्रैफिक इतना होता है, एंड दैट टू रीच एट एयरपोर्ट रोड महिपालपुर, इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट आई रीच देयर विद इन हाफ एन आवर. वहाँ से मैंने अपना वाइवा वगैरह वॉइस ख़त्म किया, से अराउंड 10:15 आई स्टार्टेड, एंड अगेन विद इन 30 मिनट आई वॉज बैक टू होम. इट वॉज सो क्विक प्रोसेस, और वो कैसे हो सकता था, सब गुरुजी करा सकते थे. चलिए उसके बाद क्या हुआ, एंड आई इन द मीन टाइम आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि आप तैयार है ना, मैं घर पहुँच रही हूँ और फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, अपोलो दिखा के आते हैं आज. तो मैं अंदर आई और एंड ही वॉज सिटिंग इन हिज कार, और फिर मैंने गुरुजी से दोबारा अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आप सब कुछ करते हो, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, तो प्लीज़ ब्लेस मी. मैंने इतना ही बोला तो ऑल ऑफ ए सडन आई स्टार्टेड स्मेलिंग, जैसे ऑइंटमेंट होती है जैसे डिटॉल थोड़ा सैनिटाइजर की, ऑल ऑफ ए सडन दैट स्मेल स्टार्टेड कमिंग, एंड अ लिटल थिंग वेरी सेम मोमेंट इट ऊज्ड आउट, कहाँ से, यहीं से. एंड व्हेन इट ऊज्ड आउट आई टुक इट इन माई हैंड, और जब हाथ में मैंने उसको देखा तो इट वॉज जस्ट लाइक दिस मच स्मॉल पीस एंड स्पायरल. एंड जब हम पास्ता को बॉयल करते हैं देन इट बिकम्स सॉफ्ट ना, इट वॉज लाइक दैट ओनली, दिस मच स्मॉल स्पायरल एंड सॉफ्ट इन टच. वो जैसे ही मैंने उसको हाथ में लिया आई गॉट स्केयर, और मैंने उसको जाके फट से वॉशरूम में गई, कमोड में डाला और उसको फ्लश कर दिया, एंड आई फेल लॉट ऑफ, जैसे ओटी के अंदर स्मेल आती है, एंटीसेप्टिक्स डिटॉल ये स्मेल आ रही थी, और व्हेन आई टच दिस एरिया इट वॉज फ्लैट, इट वॉज एब्सोल्यूटली फ्लैट. एंड ही वॉज सिटिंग इन हिज कार हॉन्किंग हिज हॉर्न, बाहर आओ जाना है. देन आई सेड कुछ नहीं, आप अंदर आ जाओ, एवरीथिंग इज बीन डन, इट्स ऑल ऑपरेटेड, नाउ आई एम सेफ. तो कह रहे अभी तो सुबह से तो इतना शोर मचा हुआ था, जाना है जाना, और अब जाना भी नहीं है. सो ऑल हिज ग्रेस ऑल हिज कृपा कैसे किया, और जो मुझे व्हेन आई रिकलेक्ट कि जो मेरे वो जो रोलिंग हो रहे थे टीयर्स, ही वॉज क्यूरिंग मी ऑन दैट फॉर्म. जो पूरा 45 मिनट्स का रन था ही वॉज क्यूरिंग दैट टाइम ओनली. और जब मैं वापस आई, जब गुरुजी से अरदास की, वो कहते ना अरदास में बहुत पावर होती है, सो दैट पावर वॉज वेरी मच देयर, और कैसे उन्होंने क्योर कर दिया. सो उनकी कृपा से टिल नाउ आई एम स्पीचलेस टू से, आई मीन थैंक्स इज सो लेस कि इट इज़ बियॉन्ड दैट. अभी अंकल ने यही बोला, उनकी कृपाएं इतनी ज़्यादा है कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर टॉक, बियॉन्ड योर थॉट, जितना मर्जी कर दो उतना ही कम है. सो थैंक यू गुरुजी, कीपिंग अंडर हिज शरण एंड सीइंग दिस ब्यूटिफुल दरबार. बिल्कुल यही लग रहा है कि गुरुजी राजन के राजन, महाराजन के महाराजा ही लग रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए. बहुत सुंदर दरबार, इट्स एब्सोल्यूटली डिवाइन. सो इट मस्ट बी रिटन हियर गुरुजी, ब्यूटिफुल एंड डिवाइन दरबार, वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी. गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग वास्ते, हम सबको चरणों में बुलाने के लिए लखवारी शुक्राना गुरु जी की. सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी. गुरु जी इज वेरी काइंड, बस इतनी सी बात पे अगर हम फोकस करते हैं ना, तो इतनी कृपा है, इतनी कृपा है जिसको हम एक झोली में तो कभी भी नहीं समेट सकते, एक लाइफ टाइम में भी नहीं समेट सकते. शुक्राना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं वो जब हम कर सके तो उससे बड़ा कोई शुक्राना नहीं होता. ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है. जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे. जब हम गुरुजी के दरबार में गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलते हैं
और गुरुजी के हिसाब से ढंग से दरबार में बैठते हैं, तो उससे बड़ा शुक्राना कोई हो ही नहीं सकता किसी के भी यहाँ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपने चरणों का रास्ता इतना आसान कर दिया। अगर इतना आसान नहीं होता तो पूरा प्लान्ड सत्संग करने के लिए यज्ञ फज्ञ करना पड़ता, वो सब भी बहुत मुश्किल होता, धुआं धुआं होता, ये सब तैयारी करो। लेकिन गुरुजी का सत्संग इतना आसान है, बस ऐसे ही खेलते कूदते गुरुजी करवा देते हैं, हंसते हंसते करा देते हैं। आज एक आंटी का मुझ पे फ़ोन आया था, वो आंटी मुझे बता रहे थे, मैंने थोड़ा शी वॉन्टेड टू टॉक, तो उन्होंने फ़ोन किया था, मिस्ड कॉल था, तो आई रिटर्न द कॉल। फिर उन्होंने पूछा आप कौन हो, मैंने बोला मैं गुरुजी की कृपा से आपका मिस्ड कॉल था, मैं वही हूँ। तो फिर उन्होंने शेयर किया कि उनको आने की बड़ी इच्छा है दरबार में, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक सत्संग था जो गुरुजी की कृपा से कुछ साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, और ये सत्संग गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने किया हुआ है कि हम गुरुजी के दरबार में क्यों नहीं आ पाते, है ना, क्यों ही नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ सकते। होता है कभी एक आध बार हो जाए, लेकिन एज़ फार एज़ पॉसिबल सब लूट लो मौज बाहर, क्योंकि जो गुरुजी के चरणों में मिल सकता है यूँ वो कहाँ ही मिल सकता है, ये कैसे हो सकता है, गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। गुरु कृपा के बिना इट वुड हैव गॉन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, एंड गुरु कृपा जब मिल जाए तो बस शुक्राना ही शुक्राना है रब जी का, बहुत ही शुक्राना। तो ये आंटी, ये सत्संग भी मैंने कई बार सुनाया, बट वंस मोर, कि ये आंटी कुछ साल पहले कहते थे मुझे आने का, वो भी दिल्ली से आए थे और यहाँ हो गए थे, लेकिन उनके परिवार से तब कोई नहीं जुड़ा था, तो वो बोलते थे मैं कैसे आऊँ दरबार, तो दूर भी रहते थे, अकेले आना भी आसान नहीं है। तो एक गुरुजी के चरणों में रखी बात थी, तो गुरुजी ने भाव दिया, तो एक अंकल आते थे वो एरिया में से, उनको बोला था आप पिक करके ले आना, तो उन्होंने बोला ठीक, तो वो पिक करके ले आते थे। ऐसे कुछ कुछ महीने निकल गए, फिर एक दिन उनका बेटा दरबार आया ड्रॉप करने आया, तो तब ना हमारे पास डबल वाले भारी वाले गद्दे थे 3, तो अकेली आंटी तो लगा ही नहीं सकती हैं, तो मैंने उसकी ओर देखा, बोला बेटा देखो जल्दी है घर जाने की, तो बोलते नहीं वो बमुडा बस में आया था, मैंने तो अंदर नहीं आना चाह रहा था, तो बोलते नहीं मुझे जल्दी नहीं है, मैं बोला फिर 10 मिनट है तेरे पास, तो बोलते हैं हाँ है, बोला आ जा बेटा आ जा। तो वो आया और उसने गद्दे लगाए, बड़े भाव से गुरुजी को मत्था टेका और गद्दे लगाए, गद्दे लगा के गुरुजी की कृपा से वो दिन है, आज का दिन है, गुरुजी ने सारे परिवार को जोड़ दिया, उसकी शादी भी गुरु कृपा से गुरुजी की संगत की लड़की से हुई, जो रहती भी है तो वो जगह का नाम भी निर्मल नगर या समथिंग है और गुरुजी की बेटी है, बात में गुरुजी करती है और बहुत ही प्यारी है, और उसकी बहन जीजाजी और जीजाजी बहन और जीजाजी का जो बेटा है वो भी गुरुजी से जुड़ गया, तो पूरा परिवार अब आता है ना तो मेला ही लग जाता है यहाँ पे पूरा परिवार एक साथ आता था, तो इतना अच्छा लगा। गुरुजी जब कृपा करते हैं तो हमें कोई सोचना नहीं पड़ता। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने आंटी को पूछा, उनके बहुत हेल्थ इश्यूज है बोला उन्होंने, मैंने बोला क्या है हेल्थ में, हाँ तो उन्होंने तब बताया कि उनको बीपी है, डायबिटीज़ है, मैंने बोला वो रोग नहीं है, वो सबको है तो वो फिक्र नहीं करनी है। और ये चीज़ ना आज गुरुजी के चरणों में रखी थी मैंने, तो ड्यूरिंग द सत्संग एक थॉट जो गुरुजी ने दिया इज़ आप आइधर रोगी बनो या भोगी बनो, अगर भोगी बन गए ना तो रोग भी भोग बन जाना है, गुरुजी रोग को भी ब्लेस कर देना है। और आपने वही सत्संग सुनाया जो गुरुजी ने आज दिखाया नज़ारा, कि रोग को गुरुजी ने ब्लेस करके इतना अच्छा कर दिया कि कुछ ही नहीं करना पड़ा है, बात बात में बात टल गई, बात बात में बात टल गई,
तो कुछ ही नहीं है. माय बॉडी यूज़ टू बी सो डिफ़िकल्ट टू डील विथ के आई वॉज़ एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्डर देन माय एज, फिज़िकल एज, तो बड़ा डिफ़िकल्ट रहता था. तो वो आंटी आज मुझे पूछ रहे आप रोज़ सत्संग कैसे करते हो, कल आपने दो डाला है, आज शाम को एक डाल दिया, तो आप कैसे करते हो, यानी कोई ना कोई लंगर बना के लाएगा तभी बनेगा ना. मैं ना हाँ ऐसे ही बनता है, लेकिन वो कभी कभार होता है ना, बहुत सारी संगत होती है, हम बहुत संगत का लालच नहीं करते, हम सोचते हैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मर्ज़ी से जो संगत आती है उनके साथ साथ मिलके रंगत में रहे, गुरु संगत की रंगत में जियो, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है. शब्द गुरबानी साथ साथ सुनने की मौज अलग है. तो गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है, एंड इफ़ वी आर एबल टू लिसन टू शब्द गुरबानी, एटलीस्ट गुरुजी ने दिखाया रास्ता, आधा घंटा भी बैठ जाओ, मैं तो ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, आधा घंटा भी बैठ जाओ, क्लेंजिंग, हीलिंग, प्योरिटी सभी कुछ हो जानी है, और कृपा बेअंत, बहुत 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 कृपा. तो शुक्राना रवजीता, आपका वाला सत्संग आप बताओ कि मैं बताऊँ? मैं बताऊँ गुरु जी की असीम कृपा से हमारे नेबर जो साम, सो वो भी एक सत्संग है हमारे, हमारा जब दरवाज़ा खुलता है तो डायरेक्टली ऑपोजिट एक आंटी रहती है, उसका नाम गजाला. गजाला पे गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि वो, हाँ नहीं अभी नहीं, तो अभी बता रही हूँ. तो गजाला का गुरुजी ने इतनी ब्लेस की दरवाजे, द फर्स्ट कृपा जाती है गजाला के घर पे. तो दरवाज़ा खुलता है एक ओमकारा के टाइम, डायरेक्ट फर्स्ट गजाला का घर. तो गुरुजी की असीम कृपा से गजाला के साथ का रिलेशनशिप भी बहुत ही सुंदर रहा, अभी भी है. लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उनका परिवार सारा ब्लेस हो गया, उसके पीछे के सत्संग्स भी सुनाए हुए हैं, एंड दे आर नाउ गॉन टू दुबई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, होगा वहाँ पर रहने के लिए, एंड दे आर गॉन देयर गुरुजी की असीम कृपा से. नाउ उनके जाते ही गुरुजी ने और एक परिवार भेज दिया, वो परिवार भेजा तो उसमें से जो आंटी है वो फाइनली आई. आई अभी कुछ ही दिन हुए, महीना भी नहीं हुआ, दो तीन हफ्ते हुए होंगे, दो या तीन हफ्ते हुए हैं. तो उतने में एक दिन वो आंटी, नेबर सामने वाली आंटी आई, मैंने बोला नाम क्या है आपका इन द एंड, तो वो बोलती है स्वाति. तो गुरुजी की लीला देखो, एक ही फ्लोर है, तीन ही अपार्टमेंट्स है, हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेबर है ऑन द लेफ्ट उनका नाम स्वाति है, और जो सामने न्यू आई है उसका नाम स्वाति, मीन्स करोड़ों नामों में से बस एक स्वाति नाम था. हाँ, और स्वाति बताओ. तो मैंने बोला वाह जी गुरुजी. फिर गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि अंकल आए, तो मेरे बेटे का नाम विश्वम है, और उसकी बर्थडे के दिन अंकल आए, नॉट दैट ही न्यू इट वाज माय सन्स बर्थडे, उनका नाम पूछा तो उनका नाम विष्णु निकला, और इतना अच्छा लग रहा था, वो लोग इतने ढंग से, मींस यू नो इट इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन संगत आती है और ढंग से गुरुजी के दरबार में बैठती है, उनको बोलना नहीं पड़ता कि स्विच ऑफ योर मोबाइल, प्लीज़ डोंट टॉक, ये सब छोटी छोटी बातें बोलनी नहीं पड़ती ना, तो बड़ा बड़ा दिल से संगत तो चली जाती है, लेकिन वो उनके वास्ते जो भाव होते हैं वो रह जाते हैं. तो गुरुजी के दरबार में आप बैठते हो तो होस्ट जो होते हैं वो भी आपके लिए प्रे करते हैं ना. तो वो गुरुजी की कृपा से कल आंटी बता रही थी कि उनका अभी फिर से ट्रांसफ़र आ गया. तो मैंने गुरुजी के चरणों में बात रखी, मैं गुरुजी ट्रांसफ़र इसकी अभी दो ही हफ्ते हुए, ट्रांसफ़र इट्स शॉकिंग लाइक राइट. सो गुरुजी ने बोला उसे बोल सेवा कर ले. तो मैंने आंटी को मीठे की सेवा बोल दी, वो दो तीन चीज़ें बोली थी उसमें से गुरुजी ने मीठे की सेवा दी आंटी को, मीठा बन गया आज, और आंटी ले आए और उसके साथ खुशखबरी ले आए कि नेक्स्ट 1.5 ईयर तक देर इज़ नो ट्रांसफ़र. तो गुरुजी सेवा दे के इतनी छोटी छोटी बात,
वही स्वाद वाले गुलाब जामुन जो घर में हाथों से आंटी ने गुरुजी का ध्यान करके बनाया वही है। तो वही गुलाब जामुन गुलाबों की महक दे रही है मुंह में। अच्छे थे, बहुत ही शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बख्शनहार है गुरुजी। कल एक आंटी ने एक सत्संग, परसों एक आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था, उसका शॉर्ट लर्निंग मैं शेयर कर रही हूँ। जो उनका सत्संग सुन के जो गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, उनको एक लंप हो गया था यहाँ पे। तो वो लंप के लिए वो गए डॉक्टर के पास, उनका नीडल हुआ, फाइन नीडल टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब टेस्ट हुआ तो पूछा उनको कि वो बाहर बैठे थे रिजल्ट की वेट कर रहे थे, उतने में वो आंटी का कनेक्शन भी बहुत अच्छा है गुरुजी के साथ, तो उन्होंने बाहर बैठ के गुरुजी से बहुत सारी माफ़ियाँ मांग ली, बहुत माफ़ियाँ मांगी, याद कर करके फ्लैशबैक में जा जा के माफ़ियाँ मांगी, इतनी माफ़ियाँ मांगी। एंड शी हैड हर कॉन्वर्जेशन विद गुरुजी एंड गुरुजी की कृपा से रिजल्ट वॉज नेगेटिव। तो गुरुजी तो इतने दयालु, इतने दयालु, इतने कृपालु कि हम क्या ही बोलें। तो स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी ऑलवेज, टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरुजी ऑलवेज। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय गुरुजी।